बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र में बड़े संख्या में चूना पत्थर खदान है। लगभग 25 से 30 पत्थर खदान है, जिमा ले आधा ले भी ज्यादा पत्थर खदान अवैध रूप ले संचालित हुआ थे। मस्तूरी क्षेत्र में चलने वाला चूना पत्थर खदान नियम ला ताक में रख के चलाए जाते। नियम ये कही थे कि रिहायशी इलाका और शासकीय भवन ले लगभग 300 मीटर की दूरी में खदान ला होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो शासकीय भवन के बाउंड्री वॉल ले खदान लगे हुए है। खनिज विभाग के आला अधिकारी के मिली भगत साफ है, देखे जा सकते। ग्राम खैरा जयराम नगर में 7,000 ले अधिक जनसंख्या वाला गांव में संचालित कपिलेंद्र शर्मा स्टोन क्रेशर के संचालक है। नियम ला दरकिनार करत हुए खदान ला चलाते। सबले बड़ी बात यह है कि हाई टेंशन तार टावर के नीचे ये खदान संचालित हुआ थे। खदान में करे जाए वाला ब्लास्टिंग के पत्थर ले हाई टेंशन तार तक कट गए है। तार के नीचे में काम कर रहा मनखे मन में दहशत बने हुए है, और अगर तार टूटा थे तब बड़े दुर्घटना हो सकत है। अब के बार लगते तो पकना आते हैं बाहर में निकला था तो लागा थे, अब घर भीतर हन तो घर भीतर फोटो के निकल जाही, घर में गिर जाही पकना है। अब लोग लैका मन है खेलन भी धुन है लाग दी तो मैं का करा भाई, ऐसे बोल ही नहीं क्रेशर है धूल धूल डस्ट उड़ा थे का समस्या अबे करत है थी पूरा दे चला था माटी धुरा उड़ावा थे घर में पानी है सूते बैठे दसना पीढ़ा कथी गोदी हो मैं धुरा होते वही समस्या हम सोते हर भाई ही बता सका था बाबा की लत मैं नहीं कर। जब से खुले हैं और तब से गांव वाले मन प्रतिबंध करते हैं रोक लगाते हैं, फिर भी आज तक नहीं रुक पाए है। आयकर से बहुत ही ज़्यादा समस्या एकर बढ़े, कुछ दूरी तो है ही नहीं, हम एकदम बाउंड्री से लगे हुए है, बस्ती के बीच बस्ती में है। एकर सरकार भी है कैसे वाला लीज दे दी, चेहूल देखे बर नहीं है, कागज में बना देते हैं और ऊपर समस्या बस्ती वाला गुजरे पर से। और जितना भी समस्या आज अपन घर में धूल के परत में हम चलत हन, ब्लास्टिंग ऐसी से ब्लास्टिंग होते जेकर से बहुत बड़े बड़े बोर वाला ब्लास्टिंग होते, खिड़की फड़का जब हाल जाते लड़का चमक जाते, इतना ज़्यादा मतलब भयंकर रूप में हवा ब्लास्टिंग है। जगह अभी तक कहत कहत कई बार रोक लगाते हैं, शिकायत करते हैं, कोई बारे में आज तक सुनाई नहीं हो है। छोटे से ब्रेक पर यह रुकथन, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।